गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा महिला महामंत्री ने ऐतिहासिक विशाल भंडारे का आयोजन कर फतेहपुर शहर के राधा वाटिका और सिद्धपीठ तांबेश्वर मंदिर सहित पत्थर कटा चौराहे पर हवन पूजन के बाद खीर पूरी सब्जी का प्रसाद वितरण किया। हजारों श्रद्धालुओं संत महात्माओं को गुरु की दृष्टि से सम्मान कर पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू राधेश्याम गुप्ता ने राधा वाटिका में 5100 संतों को भोग कराकर उन्हें सॉल व दक्षिणा भेजकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा पावन पर्व पर सन 1998 से लेकर के स्वामी जी की कृपा से हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन यह कार्यक्रम मनाया जाता है, जहां सैकड़ों किलोमीटर दूर दराज से संत महात्मा आते हैं, जिनको ठहरने की भी व्यवस्था की जाती है। जैसा कि एक दिन पहले ही शनिवार से आए संतों को रुकने की पूरी व्यवस्था, खाने और उनके गंतव्य तक जाने की व्यवस्था की जाती है, जो अया शाह विधायक विकास गुप्ता और गोपाल गुप्ता ने किया। भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री पूनम श्रीवास्तव ने नेतृत्व में सिद्धपीठ तांबेश्वर मंदिर में 501 संतों और भक्तों को खीर वितरण कर अपने निज निवास स्थित पत्थर कटा चौराहे में भव्य भंडारे का आयोजन किया। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और यहाँ पर संत महात्माओं का समागम था। स्वामी जी कृपा से संत महात्मा और सब पूरे भक्त लोग भी कम से कम कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ रही और किस तरीके से इस कार्यक्रम को कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 76 से नहीं 89 से। आज गुरु पूर्णिमा का क्या खास उद्देश्य होता है? गुरु पूर्णिमा आज गुरु की गुरु का पूजन होता है विधिवत, समझे नहीं, इसी गुरु पूर्णिमा का है। और ये उनका जन्म हुआ था इस दिन, वो ऋषि नहीं थे तभी से ये गुरु पूर्णिमा बहुत प्राचीन मैं याद नहीं है, मैं भी 90 साल का हो गया हूँ, थोड़ा भूल जाता है। नहीं अभी सभी बता देता कि गुरु पूर्णिमा इस ऋषि से मनाया जाता है कब तक, यह 89 से शुरू जी अपने यहाँ ये राधा वाटिका है, यहाँ पर प्रतिवर्ष भीड़ लगती है। 89 से आवाज आता है, श्रद्धालु और संत आते हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ से लमसम आते हैं? अरे पूरे क्षेत्र के आते हैं, जहाँ जहाँ जिसको तमाम का इलाहाबाद से चित्रकूट से और दूसरे दूसरे प्रदेशों से भी आ जाते हैं, जिन लोगों को पता है कि यहाँ दो यहाँ पर्व मनाए जाते हैं, एक ये एक दिसंबर स्वामी जी की पुण्यतिथि, उसमें और ज़्यादा भीड़ होता है 1 दिसंबर। आदमी दो 3 हज़ार आदमी आ जाता है करीब करीब, 1 से 2 3। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे आ जाते हैं इस गुरु पूर्णिमा के दिन? क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? क्षेत्रवासियों के लिए संदेश तुम दो संदेश देना चाहेंगे आप? जी भैया, ये आज बहुत पवित्र दिन है हम लोगों के लिए। गुरु गोविंद बहु खड़े काके लागो पाए, भंडारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो आज हम लोगों की जो है हम लोगों के लिए अपने गुरु के लिए जो भी हम लोग करते हैं उसी खुशी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने खीर पूरी और आम का प्रसाद वितरण किया। पहले तांबेश्वर बाबा जी के मंदिर के सामने, फिर पत्थरकटा चौराहा में, फिर लास्ट में जब खीर पूरी बच गई तो हमने सोचा अब अपने निज निवास पर भी वितरण करते। तो ये श्रीमती पूनम श्रीवास्तव महिला जिला महामंत्री बीजेपी।